हाँ किसी बिल्डर को क्या, बहुत बड़े बिल्डर से बोली, तो हमें किसी ऐसे, आप लोग उस वो फिल्म तो देखा होगा ना, घोसला का घोसला। घोसला का घोसला, क्या है जी? बहुत ही बढ़िया फिल्म है। हाँ आपने तो देखी नहीं होगी जी, उसमें ना एक बहुत सीधा, उसको एक बड़े बिल्डर ने फंसा के उसकी सारी जमीन तह की। हाँ मौसम, हाँ मौसम, और ताकि ज्वाला देवी से हम सिर्फ अपना ही नहीं मोहल्ले वाले का भी घर वापस ले सकें। अगर ज्वाला देवी हमारे घर या मोहल्ले पर कब्जा करके मौल्य टाउन से बनाना चाहती, तो जाहिर है कि इस काम के लिए वो किसी बिल्डर को बनाएगी। आप लोगों ने वो पिक्चर तो देखी होगी, घोसला का घोसला, पर ज्वाला देवी ने सबसे समझ ज्यादा, हो गया, आप सुनाइए। ये तो माया मैं कहूँगा, बैठे आस पड़ोस के सब लोगों से बात करिए, सब लोगों के दिल में ज्वाला देवी का डर बसा हुआ है। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाएगी। एक इंसान है जिसके पास सबके सबका रिमोट कंट्रोल उनके पास है। मैंने पूछा कौन, उन्होंने बोला हमारे साथ हो जाएगी तो सब। सिमर, मैं मिसेज वर्मा आंटी को फोन लगाती हूँ। उन्होंने फोन लगाया, देखिए घंटी बज रही, उन्होंने बोला फोन ही नहीं उठा रही। दोबारा कहो। हमें क्या करना होगा, जैसे सिमर समझा रही कुछ नहीं, फिर बात तो आपको हमारे साथ का आश्वासन दिखा देगी। कल देखिए सब देख रहे हैं, जैसे रखें अभी भी सोच में सोचते माता जी को देखिए, बस सहमत हुए तो फिर मैंने भी उठी है आपसे। कोई आएगा भी कि नहीं हमारे साथ, लेकिन खुश हाँ और किंजल भी क्या, और भले किंजल अब यहाँ नहीं रहती हो, लेकिन लेकिन ज्वाला देवी ने सबसे ज्यादा जुर्म 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 जुल्म जुर्म सिमर, फोन पर ही सही, हमें उन सबको खबर करनी होगी कि ये लड़ाई हम सब सबके लिए लड़ रहे हैं। सिमर एक काम कर, तुम हमें नंबर, उन्होंने बताया नंबर, सबने मोबाइल में नंबर नोट किया, चार चार नंबर, और प्रेम आए वापस उसी मार्ग पे आके बैठे, और उन्होंने बोला अभी तो इनकी एक टाइप का सिमर, ये काम आसान नहीं और ना ही गलती की कोई गुंजाइश है, मुझे लगता है हमें ये प्रोफेशनल एक्टर से करवानी चाहिए। इतने में एमजी ने बोला हाँ हम और जीजी ठीक है कल आप कर सकते हैं, और माता जी ने बोला परी देखो तुम फाइनल तक पहुंच चुकी हो, हम ना कैसे बोल सकते हैं। एमजी हाँ जीजी हम सोच समझ के करेंगे। माता जी ने बोला अगर ऐसे दो समझदार एक्टर हमें मिल जाते तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। प्रेम ने बोला जरूर मिल जाएगा माता जी। चलिए मुझे पूरा विश्वास है, मुझे लगता है कि करो और हमारी एकता के सामने ज्वाला देवी की ताकत कम पड़ जाएगी। और हमें क्या करना होगा, उसने बोला फिलहाल तो कुछ भी नहीं, बस आप लोगों के साथ का आश्वासन।